जातीय जनगणना के मुद्दे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार जातीय जनगणना के पक्ष में है, ये काम केंद्र सरकार का है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए जातीय जनगणना पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने ये कहा कि जातीय जनगणना के वो पक्ष में भी दिखाई दिए और हमारी सरकार जातीय जनगणना के पक्ष में है, ये काम केंद्र सरकार का है। तो देखिए इससे पहले भी बिहार में जिस तरह से जातीय जनगणना हुई उसके बाद में सियासत काफी जोरों पर थी और अब केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है यूपी के, उनकी तरफ से बयान आया है और उन्होंने कहा कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में है और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। होने के नाते ये जानते हैं कि जातीय जनगणना भारत सरकार के माध्यम से कराई जाएगी और हमारे वरिष्ठतम नेताओं ने भी ये कहा है कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है और केशव प्रसाद मौर्य भी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, ये सदन में छाती ठोक करके कह रहा हूं। लेकिन 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 उत्तम जी शांत रहिए, लेकिन माननीय सभापति महोदय आप जाति जनगणना कराने की बात तो करते हो, कराने के पक्ष में नहीं हो। अगर कराने के पक्ष में होते तो जब सत्ता में थे तो जाति जनगणना कराए बगैर सभी जातियों को न्याय देने का काम करते। छह महीने 9 हत्याएं और 250 गांवों में फैली दहशत। हर बार एक जैसे ही कत्ल को अंजाम दिया जा रहा था और हर बार कातिल महिलाओं को ही शिकार बना रहा है। एक जैसा क्राइम सीन एक निश्चित समय के आसपास ही हर कत्ल होता रहा। साइको किलर का शक खौफ फैल रहा हुआ है और साथ ही आपको बता दें कि अधिकारियों ने गूगल मैप से हत्या स्थल वाले गांव को चिन्हित किया तो आरोपी की संभावित सक्रियता के लिहाज से 250 गांव इसके दायरे में आए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सावधान, बरेली में घूम रहा साइको किलर। 6 महीने 9 कत्ल 250 गांव में फैले सुराग। एक जैसी वारदातें एक जैसे कत्ल। 30 किलोमीटर के दायरे में सीरियल किलर निशान। करीब 6 महीने 9 कत्ल। बरेली में दहशत फैलाने के लिए काफी थे, असली कातिल अब भी फरार है। साइको किलर का शक खौफ फैला रहा है। अधिकारियों ने गूगल मैप से हत्या स्थल वाले गांव को चिन्हित किया तो आरोपी की संभावित सक्रियता के लिहाज से 250 गांव दायरे में आए, यानी दहशत का दायरा 250 गांव में फैला है। बरेली में इन दोनों सीरियल किलर का मामला सामने आ रहा है। अभी जो है शीशगढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या करी गई है और उस महिला की उसी पैटर्न पे हत्या की है और उसी महिला को गला दबा के हत्या करी है। वहीं शाही थाना क्षेत्र में 20 नवंबर को एक महिला की, बुजुर्ग महिला की हत्या इसी को लेकर करी थी और उसका भी गला दबाया था। अभी पहले के केस सुलझे भी नहीं थे कि एक नई वारदात को अंजाम देकर साइको किलर ने सनसनी फैला दी। 26 नवंबर शीशगढ़ बरेली। 55 साल की एक महिला खेत में साग लेने गई थी, जबकि महिला का पति और बेटा किसी काम से शीशगढ़ गए हुए थे। शाम को जब सभी घर लौटे तो पता चला कि महिला खेत से वापस नहीं लौटी है, लिहाजा परिवार खोजबीन करते हुए खेत पहुंच गए, लेकिन वहां का मंजर चीखे निकाल देने वाला था। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस को एक बार फिर चुनौती मिली है। शक फिर साइको किलर पर है, जिसके बाद पुलिस के एक्सपर्ट्स कातिल के सुराग तलाश रहे हैं। 2 बजे से गायब थी और खेत पे गई थी साग तोड़ने के लिए और पापा जी घर पे नहीं थे, छोटा भाई भी घर पे नहीं था। बहुत दो लोग आए थे 3:30 बजे के टाइम, तब उन्होंने पता किया, घर पे भी नहीं है। घर पे पास पड़ोस में पूछा लोगों से, उन्होंने बताया कि हमें भी पता नहीं है। फिर छोटा भाई मोटर चल रही थी खेत पे तो खेत पे गए, उन्होंने बूझी, वहाँ पर एक लड़का था उसने बताया कि हाँ माताजी आई थी यहाँ पर, पत्ते तोड़े थे और वो उठा के गठरी और घर ले गई। हत्या तो की गई है मगर इसमें साजिश किसी की नहीं है, वही लूटपाट वाला चक्कर है।
कातिल की तलाश में पुलिस गूगल मैपिंग का सहारा ले रही है। मैपिंग से पता चला कि शाही, शीशगढ़ और फतेहगंज पश्चिमी के 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में सभी वारदातें हुई हैं। ज्यादातर वारदातें नदी से 2.5 किलोमीटर के दायरे में हुई हैं। इनका समय भी दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक का है। पुलिस कातिल से जुड़े हर उस सुराग को जुटा रही है जो इन मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में मदद करे। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय के द्वारा एवं फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौका मुआयना किया गया है। प्रकरण के संबंध में परिजनों की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही। शुरुआत में जब महिलाओं के कत्ल की बात सामने आई तो इन्हें सिर्फ हत्या की वारदात समझा गया, लेकिन घटनाएं जब एक एक कर रिपीट करने लगी तो पता चला कि ये किसी साइको किलर का काम है। लिहाजा शाही थाने की 5, शीशगढ़ और मीरगंज थानों की 2-2 टीम सहित 9 टीमों को कातिल की तलाश में लगाया गया। हर टीम में 5-5 पुलिसकर्मी शामिल हैं। हर टीम को गांव बांट दिए गए हैं, जो रोज वहां जाकर ग्रामीणों से संवाद करेंगे और कातिल का सुराग जुटाएंगे। बरेली के ग्रामीण इलाकों में तारीख दर तारीख लाशें गिरने लगी। ऐसा कोई हफ्ता नहीं बीता जब महिलाओं के कत्ल ना हो रहे हों। 5 जून शाही गांव में कलावली का कत्ल, जंगल में लाश मिली, गहने गायब थे। 19 जून शाही रोड के किनारे धनवती की लाश मिली, बिस्तरा सुरक्षित लेकिन कत्ल की FIR नहीं। 30 जून शाही के आनंदपुर गांव में प्रेमवती की लाश मिली, साड़ी से गला घोटकर हत्या की गई थी। 22 जुलाई खजुरिया गांव के कुसुमा की लाश मिर्च के खेत में मिली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। 23 अगस्त ज्वालपुर गांव की बीरवती की अर्धनग्न लाश मिली, ग्रामीणों ने 12 घंटे तक रोड जाम रखा। 31 अक्टूबर लखीमपुर गांव में 60 साल की महिला की हत्या, दुपट्टे से गला कसकर कातिल ने मारा था। 20 नवंबर खरसैनी गांव में 60 साल की दुलारू देवी की हत्या, खेत में लाश के ऊपर घास पड़ी मिली। 26 नवंबर जगदीशपुर में 55 साल की उर्मिला का कत्ल, सिर और नाक से खून निकल रहा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या की पुष्टि हुई। कत्ल की ये वो वारदातें हैं जो दर्ज की गई हैं। स्थानीय सूत्र कई ऐसी मौतों का दावा करते हैं जिन्हें भी साइको किलर से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन सवाल यही कि पुलिस साइको किलर तक कब पहुंचेगी? पुलिस प्रशासन से ये कहना है कि इस पर गंभीरता से चिंतन करते हुए और कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ने का काम करा जाए, जिससे कि लोगों में दहशत और भय का माहौल खत्म हो और लोग अपने खेतों पर काम करने के लिए जा सकें। क्या लगता है कोई साइको किलर है ऐसे हत्या करने वाला? जिस तरीके से हत्याओं में एक ही तरीके की समानता है, उससे लगता है इसके पीछे एक ही तरीके का आदमी लगता है, चाहे वो विभिन्न लोग हों चाहे वो एक ही आरोपी हो। पुलिस की 9 टीमें जंगल, खेत, खलिहान और गांव के चक्कर काट रही हैं, इस उम्मीद में कि कातिल का कोई सुराग मिल जाए। लेकिन सुराग मिलना तो दूर, साइको किलर कत्ल पर कत्ल किए जा रहा है और पुलिस अब तक खाली हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जौनपुर में 2 सगे भाइयों की सिर्फ इसीलिए हत्या कर दी गई क्योंकि दोनों भाइयों ने शराबियों को चाउमीन देने और दुकान पर शराब पीने से मना कर दिया था। दरअसल कस्बे में बारात आई थी और बाराती शराब के नशे में थे, तभी वो चाउमीन की दुकान पर पहुंचे और विवाद के बाद में चाकू से गोदकर हत्या कर दी। अब पुलिस ने एनकाउंटर में 3 आरोपियों को गोली मारी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शराब, बवाल और मर्डर, चौमीन के लिए सगे भाइयों का कत्ल, जौनपुर अपराध की दुनिया में हमेशा से बदनाम रहा ये नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह है 2 सगे भाइयों का कत्ल। अब जरा कत्ल के बाद की तस्वीरें देखिए। कातिल वारदात को अंजाम देकर भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने घेर लिया, दोनों तरफ से गोलियां चली, फिर वही अंजाम हुआ जो अक्सर होता है। 3 बदमाश गोली लगने से घायल हुए। कुटहन की ओर जाने वाली रोड पर अंकित प्रजापति व अजय प्रजापति की चाउमीन की दुकान थी। इस दुकान पर इन दोनों का कुछ युवकों के साथ में उल्टी कर देने व साफ सफाई करने की बात को लेकर के हुए विवाद में युवकों द्वारा इन दोनों को चाकुओं से मारकर घायल कर दिया गया।
उपचार के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। वारदात खेतासराय थाना क्षेत्र की है। मंगलवार की रात चौमीन की दुकान पर शराब पीने को लेकर विवाद हो गया। दुकानदार ने जब शराबियों को मना किया तो बदले में उन्हें मौत मिली। दो सगे भाइयों की मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। फौरन पुलिस मौके पर पहुंची और एक्शन शुरू हुआ। सोनपुर के खेतासरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चाउमीन दुकानदार समेत दो सगे भाइयों की दबंगों द्वारा चाकू घोंपकर निर्मम तरीके से हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया। हत्या की सूचना मिलते ही जौनपुर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंचे एसपी अजरपाल शर्मा ने गिरफ्तारी के सख्त आदेश दे दिए। घटना की खबर मिलते ही पुलिस फौरन एक्टिव हो गई और घेराबंदी कर कातिलों की तलाश शुरू कर दी गई। जैसे ही बदमाशों की लोकेशन मिली पुलिस ने आरोपियों को घेर लिया, लेकिन बदमाशों ने सरेंडर करने के बजाय गोली चला दी। फिर क्या था, पुलिस की बंदूकें भी गरज उठी और तीन बदमाशों के पैर में गोली लगी। तत्काल गठित की गई पुलिस टीमों, परिजनों द्वारा दी गई सूचना व छानबीन के आधार पर छह अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुकेश, निशु व संतोष को घायल अवस्था में, इन अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त चाकू, कुछ असलहे, मोबाइल इस्तेमाली व कुछ रुपए बरामद हुए हैं। संपूर्ण घटनाक्रम में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खेतासराय कस्बे में दो सगे भाई अजय प्रजापति और अंकित प्रजापति चौमीन की दुकान चलाते थे। मंगलवार को कस्बे में एक बारात आई थी। रात करीब 8 बजे बाराती शराब के नशे में धुत होकर नाचते गाते जा रहे थे। इसी दौरान कुछ शराबी चौमीन की दुकान पर शराब पीने के लिए रुक गए। दोनों भाइयों ने बारातियों को दुकान पर शराब पीने से मना कर दिया। इस बात से नाराज बारातियों ने दोनों सगे भाइयों की पिटाई करते हुए चाकू से हमला बोल दिया। चाकू से हमले में दोनों भाई अचेत होकर गिर पड़े और थोड़ी ही देर में दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने वारदात के 5 घंटे के भीतर उन सभी हत्यारोपी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने दो सगे भाइयों को मर्डर की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस जो है बदमाशों के पास से देसी तमंचा समेत दींदा कारतूस, खोखा, मोबाइल, नकदी रुपए समेत आला कत्ल चाकू को भी बरामद कर लिया, जिससे गोद गोद कर दो सगे भाइयों की हत्या किया गया था। दोनों भाई दुकान चलाकर परिवार का पालन पोषण करते थे। घर में एक छोटी बहन और बुजुर्ग पिता है। अब कमाओ बेटों की मौत ने पूरे परिवार को संकट में डाल दिया है। तो लोग जबरदस्ती करने लगे, उसके लिए वो लोग क्या हथियार था क्या नहीं था, चाकू था क्या, इसे उठा के खींच के मार दिए, अंदर ले जाके मार दिए पूरा सबको। हम लोग खेतासराय हॉस्पिटल, ईसा हॉस्पिटल यहाँ पे लेके आए, लेकिन कहीं भी हम लोग को वो नहीं मिला। अगर एडमिट कर लिए होते तो आज हमारा भाई जिंदा होता। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 घंटे के अंदर ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 3 आरोपी मुठभेड़ में घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज 18।